फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल एस्टेट। टुडे वी आर हियर इन सेक्टर 7 रोहिणी टू शो यू डिफरेंटली डिजाइन मजेदार 150 गज में बनाई गई 3 BHK प्रॉपर्टी। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ये वन ऑफ द प्रीमियम लोकेलिटी ऑफ सेक्टर 7 रोहिणी में आ जाती है। ये लिफ्ट पार्किंग वाली प्रॉपर्टी में है, आपको पार्किंग का 1/4 मिलता है, आपको लिफ्ट मिलती है और ये मजेदार बनाई गई प्रॉपर्टी है। राइट नाउ वी आर इन द लिविंग स्पेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस तरफ आपको मिल जाता है इसका LED पैनल, यहाँ पे आप अपना सोफा काउच सेटिंग अरेंज कर सकते हैं। दिस साइड यू कैन प्लेस योर डाइनिंग टेबल एंड आपको मिल जाती है बढ़िया रूम जितने साइज की खुली किचन। ये एक ओपन कॉन्सेप्ट किचन बनाई गई है जिसमें इस तरफ आपको काउंटर मिल जाता है, इस तरफ काउंटर मिल जाता है, इस साइड आपको मिल जाता है डबल सिंक सिस्टम एंड यू गेट लॉट ऑफ स्टोरेज कैबिनेट अप एंड डाउन दोनों तरफ, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। और दिस साइड आपको मिल जाता है आपका चिमनी के लिए प्रोविजन और दिस साइड यू कैन प्लेस योर स्टोव और आपको मिल जाता है बैल्कनी एक्सेस। इस प्रॉपर्टी में आपको एक फ्रंट साइड में एक बैल्कनी मिलती है जिसका एक्सेस आपको किचन से मिलता है और आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 1 से जो कि फ्रंट में आ जाता है और यहाँ पे मिल जाती है आपको पेंट्री। तो एक रूम जितने साइज से किचन मिल जाती है आपको 150 गज की प्रॉपर्टी में। यहाँ पे यू कैन प्लेस योर रेफ्रिजरेटर और इसका जो कलर थ्योरी है ना वो भी बड़ी अमेजिंग है। सटल कलर थ्योरी है, बेज कलर की थ्योरी थ्रू आउट द प्रॉपर्टी यूज की गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मज़ेदार प्रॉपर्टी है। लिविंग स्पेस में आपको इधर की तरफ एक इस तरीके का स्पेस ही मिल जाता है। यू मे यूज़ दिस स्पेस हाउ वे यू वॉन्ट, आप अपनी यहाँ पे कटलरी भी रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अपना ऑफिस का सामान रख सकते हैं, आप चाहे तो अपना स्टडी का सामान रख सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यू मे यूज़ दिस स्पेस हाउ वे यू वॉन्ट। नाउ वी हैव कम अप टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो कि आपका फ्रंट साइड में आ जाता है। इट्स अ फ्रंट फेसिंग बेडरूम, सामने रेडी पैनल आ जाता है एंड पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी टैलेंट वहाँ पर फ्लोरिंग की गई है। आपको इतना बड़ा विंडो कटआउट मिल जाता है आपकी फ्रंट की तरफ एंड आपको मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम विद दिस बेडरूम नंबर 1। इस प्रॉपर्टी में 3 बेडरूम है, तीनों के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलते हैं। राइट नाउ वी आर इन द फर्स्ट बेडरूम, इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आप इसी कलर थ्रू भी इसकी डिजाइनिंग स्पेस देख ही पा रहे हैं, सब कुछ मज़ेदार है। यहाँ पे आ जाता है आपका ब्रीदिंग एरिया, यहाँ पे आ जाता है आपका काउंटर टॉप एंड दिस साइड यू हैव WC, सो प्लीज हैव अ लुक। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बैल्कनी एंड हैव अ लुक एट द व्यू व्हिच वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस बैल्कनी बिकॉज इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। दिस साइड वी हैव आवर पार्क, आप देख पा रहे हैं बढ़िया मेंटेन पार्क है, नेक्स्ट लेवल ग्रीनरी है एंड अभी ऑलरेडी सीनियर सिटीजन और बच्चे यहाँ पे सीनियर सिटीजन वॉक कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं एंड प्रॉपर्टी में आपको इसी लिहाज से बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। जैसा मैंने कहा था कि आपको ये बालकनी का एक्सेस किचन से भी मिल जाता है और आपको बेडरूम नंबर 1 से भी मिल जाता है और इसमें आपको यहाँ पे एक वॉशिंग का प्रोविजन दिया गया है। वो कैसे आपको यहाँ पे मिल जाती है, टैप आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट और आपको मिल जाता है यहाँ पे गीजर के लिए पॉसिबिलिटी, तो आप यहाँ पे अपना इस एरिया को एज अ वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी में ना आपको दो तरीके से आप अपना वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू द स्टोरेज स्पेस दैट वी विल बी गेटिंग इन द बेडरूम नंबर 1। व्हेन यू एंटर इनसाइड द रूम आपको उसी टाइम पे ही यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है आपके स्लाइडर के तौर पे। सो इट्स अ फुल लेंथ वार्डरोब, जैसा आप देख पा रहे हैं ये फुल लेंथ वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर भी आपको लाइट लगा के दी गई है एंड नीचे इसमें पल्ले आ जाते हैं इस तरीके से, नीचे ड्रॉर्स आ जाते हैं बेसिकली। तो बढ़िया आपको रूम में अटैच वॉशरूम भी मिल गया, आपको यहाँ पे वॉकिंग क्लोसेट मिल गया, आपको बालकनी एक्सेस मिल गया और आपको मिल गया फ्रंट की तरफ से कटआउट विंडो ओपनिंग। सो मज़ेदार प्रॉपर्टी है, स्पेस डिजाइनिंग तो मज़ेदार है ही प्लस कलर थ्योरी तो मज़ेदार है ही, इसके साथ की ना सोच भी मज़ेदार है कि कैसे इस स्पेस को आप और अल्ट्रा मॉडर्न बना सकते हैं या फिर आप कह सकते हो इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूटिलिटी के साथ साथ। नाउ वी हैव कम अप टू द बेडरूम नंबर 2 ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन दिस बेडरूम नंबर 2 आपको इस तरफ मिल जाती है आपकी वार्डरोब जो कि अगेन स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाती है, आपको पल्ले मिल जाते हैं, नीचे आपको 2 ड्रॉर मिल जाते हैं जिसमें आप अपने शूज रख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED पैनल मिल जाता है। नाउ दिस इज आर अटैच्ड वॉशरूम विद दिस बेडरूम नंबर 2, दैट मेक्स इट आवर सेकंड वॉशरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी।
दिस साइड हमारे को मिल जाएगा हमारा ब्रीदिंग एरिया, जिसमें हमारा कूलर की फिटिंग दी गई है। यहाँ पे आ जाता है हमारा WC, अगेन कूलर का WC दिया गया है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा WP जो कि अगेन कूलर का दिया गया है। सारी ब्रांडेड फिटिंग दी गई है, कूलर की फिटिंग दी गई है एंड टू एंड। और यहाँ पे हमारे को मिल जाती है विंडो वेंटिलेशन, जिसकी ओपनिंग जो है आपको मिल जाती है रियर सेटबैक एरिया में, जिसमें आपको देखने को मिलेगी वेंटिलेशन प्लस आपका वॉशिंग एरिया। दिस इज आर रियर सेटबैक एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जिसमें बढ़िया एक कहते हैं ना कि मल्टीपर्पज यूसेज में लिया गया है। वो कैसे, वो बताता हूँ आपको कैसे। बिकॉज बैक साइड के अंदर जो वेंटिलेशन आपको यही एरिया प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एक शाफ्ट का प्रोविजन दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया के लिए टैप दिया गया है, गीजर के लिए प्रोविजन दिया गया है, प्लस आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट देखने को मिल जाता है। पीछे के दोनों बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ साथ दोनों वॉशरूम, उसकी जो वेंटिलेशन है वो इसी शाफ्ट से मेंटेन होती है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक एट दिस साइज ऑफ दिस बेडरूम। 150 गज की प्रॉपर्टी के अंदर आपको इस साइज का बेडरूम मिल जाता है। आपको यहाँ पे आपकी वार्डरोब मिल जाती है जो कि स्लाइडिंग वार्डरोब है। आपको विंडो वेंटिलेशन मिल जाती है, जो कि जैसा मैंने कहा था ऑलरेडी जो पीछे की शाफ्ट है उसमें उसकी ओपनिंग आ जाती है। और आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम विद दिस बेडरूम नंबर 3, दैट मेक्स इट आर थर्ड बेडरूम फॉर दिस प्रॉपर्टी। आपको मिल जाता है बढ़िया काउंटर टॉप, आपको मिल जाता है आपका WP, दिस साइड में आपको WC, एंड आपको मिल जाता है आपका ब्रीदिंग एरिया। सारी फिटिंग जो अगेन कूलर की लगाई गई है, डिफरेंट टाइलिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है, हर बाथरूम का डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो डिजाइनिंग के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आप लाइक बेसिक डिजाइनिंग की गई है, बढ़िया डिजाइनिंग की गई है। सो अभी हमने देख लिया इस प्रॉपर्टी के अंदर तीनों रूम्स, तीनों वॉशरूम, आपकी लिविंग स्पेस, आपका किचन, हमने बालकनी देख ली है, और हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पे हर एक एरिया को बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सो दैट्स इट फॉर द प्रॉपर्टी गाइज। आपके दिमाग में अभी एक और ख्याल आ रहा होगा कि हमने प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, बट व्हाट अबाउट द लोकेलिटी। सी वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर 7 रोहिणी, एंड इस लोकेलिटी की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे रोहिणी के अंदर पर्टिकुलरली इस लोकेलिटी के अंदर इधर 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएंगे, आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, आपको मार्केट्स मिल जाएंगी, आपको फूड मार्केट मिल जाएगी, आपको फूड स्ट्रीट मिल जाएगी, आपको पार्क्स मिल जाएंगे, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट तो आपको सभी तरीके की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और सबसे बढ़िया बात आपको यहाँ पे बढ़िया लाइफ मिलती है। अबव एवरीथिंग आपको लाइफ मिलती है, बिकॉज यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में बहुत इंटरेक्ट करते हैं। तो लोकेलिटी भी मज़ेदार है, प्रॉपर्टी भी मज़ेदार है, और हमने इस प्रॉपर्टी की अभी सभी चीज़ें देख ली हैं, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू क्वालिटी वर्क टू मटेरियल सिलेक्शन टू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस प्रॉपर्टी। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट पिकअप योर फोन एंड गिव मी अ कॉल एंड बुक योर अपॉइंटमेंट विद अस, एंड हम यहाँ पे जल्दी से आपको विजिट पर लेकर आएंगे। और मैं इस चीज़ के लिए पक्का श्योर हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी, अगर आप ऐसी ही प्रॉपर्टी की तलाश में हैं तो फोन उठाइए, हमें संपर्क कीजिए और इधर की विजिट प्लान कीजिए। और उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, बिकॉज आज अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारे साथ आने वाली ऐसी मज़ेदार प्रॉपर्टी वीडियोज़ में बने रहेंगे, और हम आप तक ऐसी मज़ेदार कॉन्टेंट लाते रहेंगे। आपको इससे श्योरली डेफिनेटली इससे आपको हेल्प होगी कि आप घर बैठे बैठे अपने सपनों का घर का चयन कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर मैं पास ऑन कर पा रहा हूँ अपनी बातों से। तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अब तक बने रहे हैं, और आपने इस प्रॉपर्टी को एक धैर्य से सफलता से हमारे साथ देखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मज़ेदार प्रॉपर्टी के साथ।